जनपद बहराइच के थाना रुपईडीहा के बाबागंज कस्बा में 18 जून को बोरे में भरी हुई एक बॉडी मिली थी जिसके सर नहीं था, और सबसे बड़ी चुनौती थी उसको पहचान करना। पिछले 2.5 महीने से हमारी टीम इसकी पहचान के लिए लगी हुई थी। आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। जिस महिला की बॉडी मिली थी उसका नाम रूबी है, जिसकी उम्र 18 वर्ष है और वो मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। उसकी बड़ी बहन अपने पति के साथ यहाँ रुपईडीहा में रहती थी और अपने जीजा के ही छोटे भाई के साथ इस लड़की का रिलेशन हो गया था, जो इसके भाई जमशेद को कतई गवारा नहीं था। बहुत बार इसको समझाने की कोशिश की गई, क्योंकि जो हसीन था जिसके साथ इसका रिलेशन हो गया था वो ऑलरेडी शादीशुदा था। ना समझाने के बावजूद भी जमशेद ने इस बात से क्षुब्ध होकर, क्योंकि हसीन उसको लगातार चिढ़ाता रहता था, उसने इन लोगों से अलग रहना शुरू कर दिया, यहाँ फेरी लगाना शुरू कर दिया। हत्या के एक दिन पहले ही उसने रहने की जगह बदली। मौका पाते ही मुंह दबाकर अपनी ही सिस्टर का इसने अर्ली मॉर्निंग उसकी हत्या कर दी और सबूत छिपाने के लिए उसका गला काट दिया। मौका पाते ही धड़ को बाबागंज कस्बे में बोरे में भरकर फेंक दिया और सर को नानपारा क्षेत्र में ही, और जो खून लदे जो कपड़े थे अपने और अपनी कुछ बहन के कुछ कपड़े, उनको पेट्रोल डाल के उसने जला दिया है। इसकी अरेस्टिंग आज जमशेद की हुई है। इसने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है। जिस हथियार से इसके द्वारा हत्या की गई थी वो बरामद कर लिया गया है। ये सारे जो एविडेंसेस हैं सर्विलांस के माध्यम से भी ये कनेक्ट हो गए हैं। इस संबंध में जो पिछले विगत दिनों में जो इनके घर पे घटनाक्रम चल रहा था उसको इनके घर वालों ने तस्दीक किया है, उनकी गवाही भी इसमें है। तो ये एक ब्लाइंड मर्डर केस जिसमें कि बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, उसका सफल अनावरण आज 2.5 महीने बाद थाना रुपईडीहा की पुलिस ने किया है। इनको बधाई दी जाती है और साथ ही में